बैक टू मी जो कि मूवी है, जिसमें हमारी फेवरेट, हमारी प्यारी, हमारी बेस्ट फ्रेंड स्वीट हार्ट कश्मीरा शाह है, जिन्होंने खुद डायरेक्ट करी है और एक्ट भी करी है। एंड आज उसका म्यूज़िक लॉन्च है। और पूरी जो कि बहुत अच्छा, वेरी टैलेंटेड गुरिंदर, उसका नाम है, तो बहुत अच्छा उसने म्यूज़िक करा है। एंड म्यूज़िक फैक्ट्री भी आज लॉन्च हुई है, तो एक साथ बहुत सारे धमाके आज हुए हैं। एंड दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो आई गेस ये फिल्म भी ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद ही आ रही है। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं टू माय स्वीट हार्ट कश्मीरा। एंड आज बहुत मस्ती हुई है ऑन स्टेज, कश्मीरा, कृष्णा, सुदेश, काफ़ी टाइम बाद हम एक दूसरे को मिले हैं। सो आई एम श्योर के लोगों को ये आने वाला इनका जो टैलेंट है सामने नजर आएगा। सॉरी, क्या रे? हाँ, देखो इसमें अच्छी बात है कि कश्मीरा एंड कश्मीरा शी इज़ वेरी हॉट, सबको पता है। बहुत सारे लोग हॉट सीन करते हैं या कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अट्रैक्टिव लोग होते हैं जिनमें से कश्मीरा है। आई एम श्योर के लोग फिल्म जरूर देखेंगे। एंड शी इज लुकिंग गॉर्जियस एंड हॉट, एंड आई एम श्योर के स्टोरी भी अच्छी होगी। हाँ नहीं, बिल्कुल, देखो इतने सालों से कश्मीरा इस इंडस्ट्री में है, एंड आई एम श्योर के जो बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। सो आज उनकी ये पहली डायरेक्शन में ये फिल्म आ रही है, कम बैक टू मी। सो आई गेस के इससे अच्छा कम बैक। थैंक यू। चोरी कर दी जंप, चोरे ने दे दिया बंप, रे पुलन दे भी फूल की देखो हवा में उड़ते हंप। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, क्योंकि दूसरी बात, मेरे दोनों एक्टर्स काफ़ी नए हैं एंड अभी अभी इनकी शुरुआत हुई है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इनको जितना सपोर्ट मिलेगा वो भी गुड। लेकिन कश्मीरा, आप जंगल से, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करता, मैं भी आपकी एक्टिंग का तारीफ करता हूँ काफ़ी, लेकिन ये बताइए कि डायरेक्टर के तौर पे आपको पहचान कहाँ जानी है, एक्टर के तौर पे, और डायरेक्टर के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे, तो फिर उसका की पहचान आपकी नहीं बन पाएगी, क्या समझेंगे इस बारे में आप? बड़ा बकवास सा सवाल पूछा आपने। नहीं नहीं, इसका क्या मतलब है? ये जब फिल्म रिलीज होगी तब डिस्कस करेंगे ना, ये आप डिस्कस करके क्या, आज रात को एक घंटे के बाद क्या होने वाला आपको पता है? तो मैं क्या फ्यूचर की क्या बात करूं? नहीं, आप अच्छी एक्टिंग करते हैं इसलिए कह रहा हूं। तो एक्टिंग तो की ना मैंने, तो कौन बोलता है अच्छी एक्टर या अच्छी डायरेक्टर नहीं बोलता। तो किसको पूछना चाहिए दादा फ्यूचर में? लेट्स सी, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर। वैसे ये पूछना चाहूंगा कि कल एक इवेंट में राधिका आपने मीडिया को ब्लेम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फील रियली ऑनर्ड कि मैं इतने सब सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, इतने सारे सीनियर एक्टर्स हमारा काम देखने आए हैं। सो आई रियली फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज कि मैं कैश गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। शी सॉ मी, आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम और मेरा ऑडिशन हुआ एंड शी सिलेक्टेड मी। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हर, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर बट अ वेरी कूल डायरेक्टर एज वेल, प्लस शी इज़ अ एक्टर, सो वो कम्फर्ट लेवल एज एन एक्टर भी बहुत अच्छा था उनके साथ। सो आई रियली फील ब्लेस्ड। मैं बाजू में खड़ी हूँ, अच्छी बातें बोल रही। नहीं, मैं जो बोलूंगा एकदम सच बोलूंगा, सच के उसे भाई कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा नाम गीता नहीं, तो मेरे पे हाथ नहीं रख सकता। हाँ, एक्सपीरियंस ओवरऑल, यानी इनिशियली मेरे को थोड़ा सा था कि शी सो सीनियर, शील बी स्ट्रिक्ट, बट आफ्टर 2 डेज बहुत अच्छा कम्फर्ट जोन हो गया था, बिकॉज आपने ट्रेलर में देखा होगा काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स भी हैं, तो केमिस्ट्री आनी ज़रूरी थी, जो एकदम से हम जैसे शूट करना शुरू किया टिल द टाइम शी वॉज डायरेक्टर एंड द टाइम शी मोल्डेड टू एन एक्टर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो एक्टर और डायरेक्टर में एज कश्मीर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, तो मेरे को बहुत मज़ा आया वो दोनों साइड देखने में और मज़ा काम करने में। यार यही एक रीज़न है मैंने इस मूवी को हाँ बोला था, बिकॉज द स्क्रिप्ट इज़ फैबुलस। अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ अ फिल्म जो इंडिया में यूजुअली आप नहीं देखते। अ लॉट ऑफ कोरियन पीपल मे डू इट बट नो नोबडी इन इंडिया कैन डू इट, सो हर राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी इंटरनेशनल। तो मैंने स्टोरी एक बार सुनी है ना, यू सेड अ येस, बिकॉज द कैरेक्टर, उसका ग्राफ, सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट थी फ्रॉम द यूजुअल थिंग वी सी, दैट्स व्हाई इट्स अ डिफरेंट जोन। आई वुड लव ऑल ऑफ यू गाइज टू वॉच इट, इट्स रिलीजिंग ऑन On Dasera. So you have to watch it. आप ट्रेलर 100 बार देख लो, आप गेस नहीं कर सकते मूवी, देर आर सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। मेरे पर्सनली मेरे फ्रेंड्स ने लाइक 10 टाइम्स दे हैव सीन द ट्रेलर एंड दे आर लाइक यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं? न्यू कमर एक्टर हो, एक स्टार के साथ काम करके कैसा फील होगा आप समझ ही सकते हैं। She is working since 18 years. तो मेरे लिए honored है कि मैंने इनके साथ काम करा। बोलता तो थोड़ी young लगती मैं। बहुत अच्छा feel कर रहा हूँ मैं।
मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको एक्साइटमेंट उतना है. एंटरटेनमेंट और जैसे कास्टिंग की बात हुई तो कास्टिंग में क्या था कि अक्षय कुमार और कुत्ता था तो तीसरा कुत्ता कहाँ से मिलता वो हमारे कृष्णा थे. वही एक रिस्क नहीं था, बाकी सब रिस्क था. अच्छा मैं आपको बता दूं कि पता नहीं बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है और नहीं भी पता है कि एंटरटेनमेंट में जो एंड में मेरी शादी हो जाती है तो वो शादी में फिल्म में कश्मीरा भी थी हमारे साथ में. कश्मीरा से ही शादी होती है. मैंने इनको कहा था कोई दूसरी हीरोइन से करवाओ तो इन्होंने बोला नहीं कश्मीरा को बुला के. वो एक ही ऑफिशियल प्रूफ है कश्मीरा के पास एंटरटेनमेंट में एंड में इसकी मेरी शादी हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे मौके पे सिर्फ खुशी बांटी जाती है एंड वी आर फैमिली मोर देन एनीथिंग एल्स. तो मी एंड फराद वांट टू से ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग. अलग बात है कि वो भी डायरेक्टर बन गई है और हम लोग भी डायरेक्टर्स हैं. एक ही फील्ड में आ गई है जो बहुत डेंजरस है बट नेवरदलेस लड़ेंगे. हेल्दी कॉम्पिटिशन. जैसे फीचर फिल्म बनाएंगे हम शॉर्ट फिल्म बना देंगे, देखेंगे अभी कहाँ जाएंगे. क्या कमी ने नजर आ रही क्या? अरे क्योंकि मैं आगे चलता हूँ इसीलिए वो कम नजर आते हैं. सबसे बड़ी बात एक कहते हैं ना कि दोस्ती में जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मुझे कुछ देखने के लिए मिलेगा. इट वाज अ माइंड ब्लोइंग ट्रेलर. और मैं यही कह सकती हूँ कि जो कश्मीरा हमेशा से बोलती थी कि मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ और उस पर काम करती रहती थी तो मुझे लगता था इतनी शायद सीरियस नहीं होगी, लेकिन आज का ट्रेलर देख के आई एम सो वेरी इम्प्रेस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. मुझे इतनी खुशी है कैश का ट्रेलर देख के कि मैं चाहती हूँ कि आप आगे, जैसे हमने अभी सुना कि फीचर फिल्म भी लॉन्च कर रही है और डायरेक्ट करेगी, आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू रॉक इट और बहुत बहुत अच्छा काम करने को देखने के लिए मिलेगा हमें. एंड इतने ब्रिलियंट है, इतनी टैलेंटेड है, मुझे नहीं पता था वाकई. एंड सो प्राउड ऑफ हर. बिग बॉस के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है और मैं तो दो दो बार गई हूँ, एज अ कंटेस्टेंट गई हूँ, फिर एज अ चैलेंजर गई हूँ लास्ट ईयर. बिग बॉस के लिए हमेशा वो एक्साइटमेंट रहती है और मुझे लगता है ना मुझे बिग बॉस से ज़्यादा सलमान खान की एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे. सो बिग बॉस यस 16th इट इज़ एंड वी ऑल आर वेटिंग. आई थिंक टैलेंट कभी रुकता नहीं. यू नो आई बिलीव कि अगर आप मौका दे अपने आप से पूछे कि आप क्या कर सकते हो तो आई थिंक यू शुड वेंचर इन ऑल ऑफ दीज प्रॉस्पेक्ट्स. एंड आज जैसे आपने देखा कि ट्रेलर लॉन्च हुआ है, वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. वेरी इंट्रीगिंग ट्रेलर ऑफकोर्स बिकॉज कश्मीरा में बहुत सेक्स अपील ऑफकोर्स डे वन से रह चुका है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी रह चुका हूँ, आज भी हूँ. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेलर एंड आई थिंक के जब भी ये ट्रेलर ऑनलाइन जाएगा, इनफैक्ट उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे लाइव इसी वक्त जा रहा है तो आई थिंक पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग द ट्रेलर. तो आई थिंक के लोग जब ये ट्रेलर देखेंगे दे विल बी वेरी इंट्रीग कि आगे क्या होता है. तो इवन आई एम इंट्रीग, मैं जानना चाहूँगा कि फिल्म में कहानी में आगे कैसे बढ़ती है. वेल ऑफकोर्स हॉरर एलिमेंट जो है हॉरर इटसेल्फ में एक हीरो है बिकॉज व्हेन यू मेक अ हॉरर फिल्म तब जो आपकी कास्ट होती है वो सब दे बिकम सेकेंडरी बिकॉज द स्टोरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड हॉरर का जब एलिमेंट होता है पीपल लाइक टू गेट स्केयर्ड, पीपल चाहते हैं कि वो डरे और एक्साइट हो जाए. तो डेफिनेटली आई थिंक विद दिस फिल्म आई थिंक द ऑडियंस विल एक्सपेक्ट. मैंने कहा पहले कहानी सुना, कश्मीरा ने करीबन 15 मिनट में चार कहानियाँ सुना दी थी मुझे और मुझसे पूछा कि तुम किस में काम करना चाहते हो. मैंने कहा मैं सब में काम करना चाहता हूँ. शी हैज़ अ वेरी फर्टाइल माइंड, शी हैज़ अ फैबुलस माइंड, आई मीन हर स्टोरी सेंस इज सुपर्ब. एंड जब आप ये पिक्चर देखेंगे आप मेरी इन बातों को याद करेंगे कि अयुब ने सही कहा था. कैश हैज़ अ फैबुलस क्वर्की माइंड दैट थिंक्स ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग्स. कैश के साथ मैंने एक छोटी पिक्चर की है, इस पिक्चर का नाम है कास्टिंग आउट. इस पिक्चर के बाद इंशाल्लाह वो पिक्चर रिलीज होगी, वो भी एक शॉर्ट पिक्चर है. इट्स बीन प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय कश्मीरा एंड इन पार्टनरशिप विद
couple of other people, and I wish you all the best. Thank you. भैया हमारी शॉर्ट फिल्म बहुत ही अलग है कश्मीरा से. कश्मीरा क्या सस्पेंस थ्रिलर हॉरर है और हमारा बहुत ही सीरियस एंड एजुकेशनल टॉपिक पे शॉर्ट फिल्म है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट. कश्मीरा फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही है एंड रियली रियली आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू कश्मीरा. या मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर और उसके स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे थे और जो एनिमेशन उन्होंने किया था वो भी बहुत अच्छा है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. इट्स अ बिग थिंग एन एक्टर बिकमिंग अ डायरेक्टर. इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो आई विश कश्मीरा ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप इट वर्क्स आउट ब्रिलियंट फॉर हर. कश्मीरा मुझे बुलाएगी मैं कर लूँगा. मैं बहुत उनके लिए मेरी सारी बेस्ट विशेज उनके साथ हैं और उन्होंने एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने जंगल की, यस बॉस की, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की एंड आई होप वो वैसी ही फिल्में बनाएं भी. और ये जो उनका पहला ट्रेलर था मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई विश ऑल द बेस्ट. बहुत टाइम हो गया आपको देखे टीवी सीरियल में, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो काम कर रही है बहुत चलाने वाले बताना चाहेंगे? अभी मेरा एक प्रोजेक्ट अभी आने रिलीज होने वाली है मेरी फिल्म, तो जब डेट बाहर आ जाएगी तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली अनाउंस कर दूँगी. और मैं भी चाहती हूँ अपने दर्शकों से मिलना, उसी के लिए मेहनत चलती रहती है हम सबकी कि हम कैसे अपने बेस्ट फॉर्म में हमारे दर्शकों के सामने आए, उन्हें एंगेज कर पाए. तो थैंक यू. जी हाँ, आज उनका मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और मुझे उनका जो ट्रेलर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट्स लाइक काफ़ी अलग लग रहा था मुझे कि इनकी मूवी कुछ अच्छी बहुत ही अलग होने वाली है. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि ये कब रिलीज़ होगी और कब मैं देखूँगी. मैं शी इज़ वेरी टैलेंटेड बाय द वे. मैं उनको बहुत पहले से देखते आ रही हूँ. शी इज़ वेरी मच टैलेंटेड और आई जस्ट वॉन्ट टू से ऑल द बेस्ट टू हर फॉर हर मूवी. दिस इज़ हर फर्स्ट मूवी सो आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट.